ठीक है। आप कर दोगे बेटा इसको है? एक बार हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न लेंगे, ठीक है। अब आपका मैं प्रिंटिंग लेना चाहूंगा, प्रिंटिंग समझते हो, यानी आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं कोई चीज समझाऊंगा, समझाने के बाद उस चीज को दोबारा से आपसे पूछूंगा तो आप उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आ गया समझ में? जैसे एक सवाल लेते हैं कि एक परिवार है और परिवार में तीन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तीन। उस परिवार में उन तीन बच्चों को लेकर कुल स्थितियां कितनी हो सकती है, तो बताए। चालू हो गया, देख रहे हैं इसमें आ रहा है? हाँ सर आ रहा एक परिवार में तीन बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर बनने वाली कुल स्थितियां कितनी होगी। अभी सवाल ये प्रायिकता का नहीं है, एक बार मैं प्रायिकता के सवाल का आधा हिस्सा करवा रहा हूँ, खाली कि आपको सोचने को मजबूर करना है। आप सोचते नहीं हो, खाली पढ़ते हो उसको याद करते हो। अब आपको मैं सोचने में मजबूर करता हूँ, आप उसको सोचोगे आपका दिमाग चलेगा, ठीक है ना। अभी अभी स्टार्टिंग है कोचिंग की, धीरे 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 आपका माइंड पूरा ही बदल देंगे, ठीक है। ऐसा दिमाग बना देंगे कि हर टीचर आपको पढ़ा भी नहीं पाएगा, कहने का मतलब आप टीचर को पूरा परख लेंगे कि इस टीचर का लेवल क्या है और आपका लेवल भी हाई हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल दिया मैंने, प्रायिकता का आधा हिस्सा है, ठीक है। एक परिवार में कितने बच्चे हैं? तो बच्चों को लेकर बनने वाले कुल स्थितियां कितनी है, नहीं क्या क्या संभावनाएं हैं, वो बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि तीनों बॉय हो, सही बात है, लड़का है पहला, दूसरा भी लड़का है और तीसरा भी लड़का। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों ही लड़कियां हो, गर्ल गर्ल गर्ल। एक संभावना तो ये है, एक संभावना ये है। अब आप बोलिए और क्या हो सकता है? दो लड़के या एक लड़की, एक लड़की, बोल बोलिए, दो लड़कियां क्या? दो लड़कियां और एक लड़का, बस तीन लड़कियां या एक लड़का, क्या हो जाएगा? एक लड़का, तीन बच्चे, ठीक है। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब आप ध्यान से सुनो, आपकी ये जवाब याद तक ठीक है, लेकिन आपने एक बात को ध्यान नहीं दिया। फिर सर इस बात को अगर ध्यान से देखें तो इस बी का मतलब है कि लड़का पहले पैदा हुआ, दूसरा भी लड़का पैदा हुआ और तीसरी लड़की पैदा हुई। ऐसा भी हो सकता है कि ये गर्ल पहले और बॉय बाद में हो, नहीं समझे। ये जी मान लो शुरुआत में पैदा होती, लड़की सबसे बड़ी होती और लड़का ये बाद में होता और ये बाद में होता। देखो यहाँ भी एक लड़की है, दो लड़के हैं, यहाँ भी एक लड़की और दो लड़के हैं,
फर्क किस बात का बताओ? यहाँ लड़का पहले पैदा हुआ, दूसरा भी लड़का पैदा हुआ, तीसरी लड़की भी, और यहाँ पहले लड़की पैदा हुई फिर लड़का फिर लड़का, यहाँ भी दो लड़के एक लड़की, दो लड़के एक लड़की, और बताओ क्या हो सकता है? इसी बात को कह रहा हूँ मैं, लड़का लड़की लड़का, यानी इसी बात को आगे पीछे किया गया है। आ गया समझ में? अब इससे पूछते हैं, यहाँ पर यहाँ लड़की लड़की लड़का, अब बताओ लड़की लड़की, एक मिनट एक मिनट बेटा तुम बोलो, बैठो बैठो बोलो, फिर लड़की फिर लड़की, यानी इन दोनों जी को बाद में लिखा बी को पहले लिखा, चीज वही है लेकिन फर्क है, यहाँ लड़की पैदा हुई फिर लड़की पैदा हुई फिर लड़का पैदा हुआ, ये लड़का पहले है लड़की बाद में फिर लड़की, और बताओ ठीक है। अच्छा तो अब गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और कुछ हो सकता है क्या? तो ये बताओ कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? आठ। अब दिमाग चलने लग गया, अब इस बात को एक मान के चलोगे अलग अलग मान के चलोगे अलग अलग बातें हैं, अलग समझ में? अच्छा अब एक सवाल पूछते हैं, इस परिवार में जो तीन बच्चे हैं ना, इन तीन बच्चों की जगह मैंने कर दिया तीन सिक्के कर दिए, जहां नाम बच्चे था वहां क्या कर दिए सिक्के, अब हम तीन सिक्के उछाड़ेंगे तो कुल स्थितियां कितनी होगी? बीस से आठ, क्यों? देखो देखो अपना जो बॉय है ना, बॉय का तो आप हेड समझ लो और गर्ल को आप टेल समझ लो, आ रहा है समझ में? जैसे सिक्का उछालते हैं तो दो ही संभावना है, या तो हेड आएगा या अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में कोई संभावना है या तो लड़का है या फिर लड़की, यानी यहाँ पर अभी ये समझ में आ गया कि परिवार में बच्चों की बात हो या सिक्के के अंदर हेड और टेल की बात हो, दोनों घटनाएं सेम है, ठीक है? तो ऐसी आठ घटनाएं बनेंगी, तो कैसे? पहले इसका बढ़ाओ, पता हो क्या बनेगा? यहाँ बताओ आप इसका जवाब दो, इसका इसका इसका, वेरी गुड। तो आपको सवाल कितनी आसानी से समझ में आ गया कि हम मान लो कि किताबों के अंदर ये सवाल पढ़ते हो, आप किताब में दिया भी है कि हनीफ एक सिक्के को उछालता है, वो तभी जीतेगा जब तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए, सवाल वही है। अब इस सवाल के जो एग्जाम में अगर वो तीन बच्चों वाला आ जाए तो आप उसको क्या जाओगे? क्या मतलब सिक्के का सवाल कब आएगा, बच्चों का कब आएगा? चीजें एक आ गया सब में, अभी फैसला की बात नहीं कर रहा मैं, अभी बात कर रहा हूँ कुल स्थितियों की। अब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें, यहाँ पर दो एच लिखा है एक टी लिखा है, तो यहाँ भी दो एच लिखा है एक टी लिखा है, तो इन दोनों बातों को हम अलग अलग समझेंगे, एक बात नहीं है, फर्क क्या हुआ समझो। तीन सिक्के थे, इसका मतलब है कि तीन बार आपने उछाला, मान लो तीन सिक्के मान लो आपने एक साथ उछाल दिए, ठीक है, एक पांच रुपए का सिक्का, एक दो रुपए का सिक्का, एक एक रुपए का सिक्का, ठीक है, इसका मतलब है कि दो सिक्के हेड गिर गए और तीसरा, यहाँ भी दो हेड गिर गए एक टेल गिर गया, यहाँ भी दो हेड है एक टेल है, फर्क क्या हुआ समझो? फर्क ये है कि पहला सिक्का हेड गिरा, दूसरा हेड गिरा, तीसरा टेल गिरा, और यहाँ इसका मीनिंग है कि पहला टेल दूसरा हेड तीसरा, आ गया समझ में? अब यहाँ तीन सिक्के थे, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, गोल करना, तीन सिक्कों की जगह मैं सिक्का एक करता हूं, एक सिक्का करता हूं, उछालता तीन बार हूं,
किसके भाई के तीन सिक्के साथ में उछाड़े थे, आ गया समझ में, या तीन सिक्के साथ में उछाड़े या एक सिक्का तीन बार उछाड़ा। अब देखते हैं बात यही आएगी, सुनना भी। यहाँ ऐसे बोले थे कि एक सिक्का जब तीन बार उछाड़ा था, बोलोगे सर पहली बार हेड गिरा, दूसरी बार हेड गिरा, तीसरी बार हेड गिरा, आया समझ में? अगर इस बात को पढ़े तीन सिक्के साथ में उछाड़े तो बोलना सर तीनों ही हेड गिरे। अब इसको समझते हैं, इस बात के हिसाब से एक सिक्का तीन बार, यानी पहली बार हेड सिक्का एक ही है, दूसरी बार भी हेड जब सिक्का एक हो, तीन बार पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है। अब इस बात को पढ़े तीन सिक्के एक साथ, तो बोलेंगे सर दो सिक्के है और तीसरा सिक्का एक, तो तीन सिक्के एक साथ उछाल दें या एक सिक्का तीन बार उछाल दें, या परिवार में तीन बच्चों की बात करें एक दूसरे के सिमिलर घटनाएं, करना कुछ नहीं, जहाँ हेड होता है वहाँ बॉय लिखना है, जहाँ गर्ल होती है वहाँ टेल। सवाल एक ये, अब ये आ जाए कि एक परिवार में तीन बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर बनने वाले कुल स्थितियां कितनी होगी? आठ। अब आ जाए कि प्रायिकता ज्ञात करो, तीनों ही टिंगल हो मान लो, ठीक है, तीनों ही क्या हो, क्या बोलते लड़के को, लड़के बोलते हैं, अरे प्रॉब्लम ये बेटा कि मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से, है ना, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ मैं, लेकिन कई सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं ना, तो हैबिट में नहीं है वो चीज़ें, आदत में आ जाएगी। तो पी का मतलब प्रायिकता, तीनों लड़के हो, क्या हो, लड़के हो, तो ये बताओ इसका आंसर कितना होगा, एक मिनट अफसर आगे आरोप करेंगे अफसर। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल चीजें नीचे आती है तो पूछा जाए वो, हाँ आप बताओ यार क्या पूछ रहा हूँ, तीनों लड़के, तो तीनों लड़कों के फेवर में कितने केस होंगे, देख के बताओ बोर्ड पर, आप बताइए, तीन बटा आठ, तीनों ही लड़के हो, ऐसे कितने केसेस हैं अपने पास, कितने में से, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ में से तीनों लड़के हो वो एक ही जगह है, तो हम बोलेंगे सर आठ में से एक, अब इसे लड़कों के जैसा कर दूं तीनों सिक्के हेड गिर जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, ये रहा सर, ये रहा। अब पता है मैं कितने सवाल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कई सवाल डिस्कस हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। अगला आ जाए, दो लड़के हो, अब बेटा दो लड़के हो तो आप खुद समझ जाओ इतनी सी लड़की ही होगी, तीन तो बच्चे हैं, अब दो लड़के देख रहे हैं आपको कहाँ कहाँ है, फिर सबसे पहले आप इनमें ये देखो, ये सर्च करो, जैसे मोबाइल में हम सर्च करते हैं कि दो लड़के कहाँ कहाँ पर है, यहाँ आएंगे दो लड़के, चलो तीन है वो ही होनी चाहिए, सिर्फ दो, ये मत कहना सर तीन है आप दो ले लो, ऐसा मत कहना, वही चाहिए अपने, एक तो यहाँ हो गया, ये रहा ठीक है, एक एक आएगा तीन बटा आठ, वेरी गुड। अब आता है एक लड़का हो, एक मिनट बट बटा आप बताओ, एक लड़का हो, लड़का एक ही होना चाहिए, लड़का एक कहाँ कहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो नहीं है लड़का एक, तो कोई यहाँ पर लड़का एक है, एक ये ब्रैकेट हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट लेना अपने को, और एक ये कितने हो जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, देखो दो लड़के का आंसर कितना आया तीन बेटा, और लड़का एक में तो भी ये आंसर आ गया, तो कई बार आंसर दो चीजों के सेम आ जाते हैं,
कभी ये मत देखना यार दो लड़के उसका भी ऊपर ही है एक लड़के का ऊपर भी है, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा। आ गया समझ में? अच्छा अब आप बताओगे। कोई भी लड़का ना हो, लड़का एक भी नहीं होना चाहिए, तीन बच्चे थे लड़का एक ना हो, हाँ मतलब क्या इसका तीनों ही लड़कियां हो, तीनों ही क्या हो लड़कियां, यानी पेपर में इस नाम की जगह अगर ये लिखा हुआ जाए कि तीनों ही लड़की हो या कोई भी लड़का ना हो तो कितना हो जाएगा एक बटा आठ। ठीक है, एक और मुश्किल चीज पूछता हूँ जिसको आए वो चार कर लेना। पी का मतलब है प्रायिकता, कम से कम दो लड़के, सोच समझ के जवाब देना है। आइए जरा बस लास्ट है, कम से कम दो लड़के हो, तो मतलब कम से कम का मीनिंग समझना और ये आपकी मदद कर दी इसमें। देखो सपोज करो कि आपको मैंने एक प्रश्नावली में 15 सवाल है, सपोज करो 15 सवाल ना तो सुना भी पाता और मैंने कहा बेटा कम से कम आपको 5 सवाल करके लड़ने हैं। अब ये लड़की 10 कर लेगी क्या इसको डांट पड़ेगी क्या? नहीं, अच्छी मिलेगी। अब सब मान लो 15 लड़ लेगी, चलो सर आपने 5 कहा था मैं 15 करके लिए, डांट पड़ना पड़ेगी। अब मान लो ये गुड़िया 4 करके लिए थोड़ी सी डांट पड़ेगी। अब समझो आप मैंने कहा कम से कम 5 की शुरू करनी है, लड़के 10 कर लें तो शाबाशी ही मिलेगी। अब समझो आपका आंसर कितना है? 4/8। आपका बेटा 3/8। 3/8 ये है कम से कम दो लड़के हो, कितना जवाब दे दो, क्या ये लेना है कि नहीं लेना? लेना है ना? अब सर बता बेटा लेना कि लेना? क्यों? मैंने कहा है कम से कम दो लड़के हो, आप ही हो सर, आपने कहा था कम से कम 5 सवाल करने हैं, मैंने 10 करके लाए तो डांट कैसे मार दो? कम से कम की बात चल रही है, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, ज्यादा हो जाए ये भी लेना पड़ेगा। एक और दो लड़की यहाँ पर भी है, एक ये ब्रैकेट हो गया, एक दो और तीन और चार, कितना उत्तर हो गया इसका? 4 एकम 4 4 होगा। अब आप सच बोलना, आज आप तक आपने दिमाग में सोचा कि नहीं सोचा? मैंने सोचने को मजबूर, तो इसी तरीके से मैं सोच सोच के जवाब देता हूँ, बाकी अपने से। आओ जावेद सर, आओ नहीं अभी मैं बता इतना समय लिया, एक बार पहले भी पढ़ा लो इसे।